सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। इस संसार में कीमती वस्तुओं के होने के बावजूद भी एक व्यक्ति के जीवन में मित्रता एक बहुत मूल्यवान रिश्ता होता है। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखे जिसने आपको ये तीन भेंट दिए हो, समय और समर्पण। आज का पंचांग 17 सितंबर 2023 दिन रविवार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि सुबह 11:09 तक रहेगी। इसके उपरांत तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हस्त नामक नक्षत्र सुबह 10:02 तक रहेगी। इसके उपरांत चित्र नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 4:45 से 6:18 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:49 से 12:38 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर रात्रि 11:07 तक रहेगी। इसके उपरांत तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर दोपहर 1:34 तक रहेंगे। इसके उपरांत कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। विश्वकर्मा जयंती, कन्या संक्रांति और वाराह जयंती की शुभकामनाएं। तुला राशि 17 सितंबर 2023 दिन रविवार, अपने घर से जुड़ी किसी अच्छी खबर के लिए तैयार रहें। निवास स्थान में बदलाव संभव है या नया घर खरीदने की योजना को अंतिम रूप दे सकती हैं। अपनी सकारात्मक ऊर्जा का लाभ उठाएं। अगर आप कुछ समय से अपने घर या इसके किसी हिस्से को नया रूप देने के बारे में सोच रहे हैं तो यह समय इसके लिए बहुत अच्छा है। घर वो जगह है जहां अभी आपका दिल है। परिवार आपकी प्राथमिकता है, खास तौर देखभाल करने वाले माँ या दादी की जरूरतें और स्वास्थ्य। आज आप नुकसान या भ्रम की स्थिति को महसूस कर सकते हैं। हाल ही में हुए कुछ बदलाव को स्वीकार करने के लिए अकेले में समय बिताएं। किसी जोखिम भरे कार्य या जुए से आर्थिक नुकसान हो सकता है। उन विचारों पर ध्यान दें जो आपको बार बार आ रहे हैं। आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए स्वयं को आध्यात्मिक प्रयासों में मग्न कर लें। प्रकृति के नए स्थान में अकेले समय बिताना आपके नए सपनों को प्रेरित करेगा। आप अभी पिछले मुद्दों या पुराने किसी मामले को लेकर चिंतित हैं, इसीलिए आप इस समय कम बोलने के इच्छुक हैं। अतीत के बारे में सोचना भविष्य की चिंताओं की जाँच करने का अच्छा प्रयास है, किंतु तभी तक जब तक आप अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद ना करें। अपनी परिपक्व समझ के साथ आप भावनाओं, शारीरिक और वित्तीय मामलों में अपनी सीमाओं को महसूस करेंगे। जल्दी ही आपको प्यार उपलब्धियों और रचनात्मकता को लेकर अच्छे परिणाम मिलेंगे। दोस्तों के साथ शाम सुखद रहेगी, लेकिन ज्यादा खाने और मंदिरा पान से बचें। धन आपके लिए जरूरी है, लेकिन धन को लेकर इतने संजीदा ना हो जाएं। कि अपने रिश्तों को ही खराब कर दें। दोस्तों और रिश्तेदार साथ में ज्यादा वक्त बिताने की मांग करेंगे, लेकिन यह सभी दरवाजे बंद करके आनंद लेने का समय है। वित्तीय मुद्दों को उठाने से बचें। अगर आप आज डेट पर जा रही हैं तो आपके हंसने हंसाने का अंदाज आपकी सबसे बड़ी पूंजी साबित होगा। मुमकिन है कि आपका जीवन साथी आज आपके लिए पर्याप्त समय ना निकाल पाए। अगर आपके पास ज्यादा खाली समय है तो नकारात्मक विचार आपको ज्यादा परेशान करेंगे। उत्तम समय है दिन ऊर्जा से भरपूर और प्रफुल्लित भी रह सकता है। बेहतर परिणाम भी मिलेंगे। विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में सफलता भी मिलेगी। कुछ समय एकांत में या किसी धार्मिक स्थल में व्यतीत करने से आपको सुकून मिलेगा। पुराने अनुभव से मिली सीख का उपयोग करना जरूरी है, वरना रिश्ते निभाते समय एक जैसी गलतियाँ बार बार हो सकती है। यदि कोई मित्र आपके करीब आने की कोशिश कर रहा है तो
इस व्यक्ति के इरादों को समझने की कोशिश करें। लोगों के लिए बढ़ रही नकारात्मक सोच को बदलना भी जरूरी है। काम करने के बाद भी सफलता न मिलने से नाराजगी रहेगी, लेकिन आपको मेहनत के अनुसार फल प्राप्त होगा। सावधानियां: किसी पारिवारिक सदस्य के नकारात्मक स्वभाव की वजह से समस्या रहेगी। इस समय वाड़ी और गुस्से पर काबू रखें। युवा वर्ग मौज मस्ती और दोस्तों के साथ समय व्यतीत करके अपने करियर के स्थान पर लापरवाही ना करें। बात करते हैं लव लाइफ की। आज आप अपने पार्टनर पर अपना प्रभाव जमाने के लिए अच्छे से तैयार होंगे। आपके पहनावे या आपके हेयर स्टाइल से आपके आकर्षण में वृद्धि ही होगी। आपको अपने पार्टनर से अपनी पसंद के कामों को आगे बढ़ाने की अनुमति भी मिल सकती है। इससे आपको उनसे हमेशा के लिए प्यार हो जाएगा। इस दुनिया से एक ब्रेक ली। इस बात का ध्यान रखें कि वास्तव में घर ही वो जगह है जहां आपका दिल है। किसी ऐसे व्यक्ति की देखभाल करना अभी आपके लिए आवश्यक हो सकता है जिन्होंने अतीत में आपकी देखभाल की हो, जैसे आपकी माँ या दादी या दोस्त। अपने पार्टनर के साथ बात करते समय अपने भय का सामना करें। रिश्तों में दीर्घकालीन निवेश के लिए प्रतिबंध रहें। अभी आपको रोमांस और प्रेम को पहला स्थान नहीं देना चाहिए। समय निकालकर अपने निजी मामलों और विशिष्ट समस्याओं पर ध्यान दें, जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बात करते हैं करियर की। ऑफिस, फैक्ट्री या रोजगार के स्थान पर मरम्मत या नवीनीकरण में आपको अधिक धन खर्च करना होगा। जरूरी कामों से पीछे न हटें, अपितु घबराहट हो तो सोच समझकर निवेश करें, और आप ऐसा करने से खुद को तनाव से बचा सकते हैं। इस चरण में अपनी योजनाओं और अपने विचारों के साथ अकेले रहने के लिए समय निकालें। ध्यान यानी आध्यात्मिक विश्वास आपके लिए उपयोगी मार्गदर्शक साबित होंगे। जैसा हम बोते हैं भविष्य में वैसा ही हम काटते हैं। अतीत और गोपनीय मामले आज आपका ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हालांकि पुराने मुद्दों पर ध्यान देना अच्छा नहीं है, फिर भी आप जल्दी से जल्दी हर मामले को सुलझाना चाहते हैं। आप वर्तमान में जी रहे हैं, इसलिए अतीत के मुद्दों को तब तक ना खुरी दें जब तक कि यह वर्तमान परिस्थितियों को सुधारने में सहायक ना हो। अभी सावधान और सतर्क रहें। परिस्थितियां आपको प्रतिबंधित महसूस करा सकती है, किंतु अपने आप को सीमित ना रखें, क्योंकि यह समय भी गुजर जाएगा और जल्दी ही आप उपलब्धियों और प्रसिद्धि के लिए अपने रास्ते पर स्वतंत्रता से आगे बढ़ेंगे। आप अपने करियर में जो भी चाहते थे वह सब कुछ आज आपके रास्ते में आएगा, चाहे वह प्रसिद्धि, ताकत, पैसा या पद हो। आप अब सब कुछ पाने के लिए एक आदर्श स्थिति में हैं। बस कड़ी मेहनत करते रहें और अन्य लोगों की राय का सम्मान करें, और जो भी आपने अपनी इच्छा शक्ति के बलबूते किया है वो सब आपका होगा। ये समय अपने कठिन परिश्रम के फल का आनंद लेने का भी समय है। बात करते हैं सेहत की। आपकी अत्यधिक व्यस्त दिनचर्या आपको स्वास्थ्य और फिटनेस संबंधित किसी भी काम को गंभीरता पूर्वक लेने की राह में रोड़ा बनी हुई है। वैसे तो आप अपने भोजन को लेकर जागरूक रहते ही हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से आप अपनी काम में उलझने के कारण जंक फूड खा रहे हैं। हालांकि काम का दबाव अभी हल्का होने वाला नहीं है, तब भी आपको अपने स्वास्थ्य की खातिर आराम करने और स्वस्थ कर भोजन करने की कोशिश करनी चाहिए। आज का उपाय: आज आप प्रातः काल मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।